नमस्कार, एटीव्ही न्यूज मध्ये आपल्या सर्वांचे स्वागत. श्री रामेश्वर ग्रामीण विद्या विकास प्रतिष्ठानचे गणपतराव मते पाटील प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालयाचा वार्षिक स्नेह संमेलन व पारितोषिक वितरण कार्यक्रम मोठ्या उत्साहात पार पडला. प्रशिक्षणार्थी जिल्हाधिकारी असीमा मित्तल यांच्या हस्ते विद्यालयातील गुणवंत विद्यार्थ्यांना बक्षीस देऊन गौरवण्यात आले. डोंगरगण येथील गणपतराव मते पाटील प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालयाचा वार्षिक स्नेह संमेलन कार्यक्रम नुकताच मोठ्या उत्साहपूर्ण वातावरणात पार पडला. या कार्यक्रमात IAS प्रशिक्षणार्थी जिल्हाधिकारी असीमा मित्तल यांची प्रमुख उपस्थिती होती. पारंपरिक पद्धतीने असीमा मित्तल यांचे शाळेत स्वागत करण्यात आले. दिनप्रज्वलनाने कार्यक्रमाची सुरुवातही करण्यात आली. आयोजित स्नेह संमेलन तसेच वार्षिक पारितोषिक कार्यक्रमात असीमा मित्तल यांच्या हस्ते विद्यार्थ्यांना पारितोषिके देऊन गौरवण्यात आले. या प्रसंगी रामेश्वर ग्रामीण विद्या विकास प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष जालिंदर कदम, प्रतिष्ठानचे सचिव महेश भराडिया, संस्थेच्या संचालिका मंगलाताई कदम, तंटामुक्त ग्राम अभियानचे अध्यक्ष इंद्रभान कदम, प्राथमिकच्या मुख्याध्यापिका स्वातिका अशोक हरते, माध्यमिकचे मुख्याध्यापक यशवंत भूतकर यांच्यासह इतर मान्यवर उपस्थित होते. या बक्षीस वितरण कार्यक्रमाप्रसंगी PhD ची परीक्षा उत्तीर्ण करणाऱ्या या शाळेतीलच माजी विद्यार्थी वैशाली तुपे यांचे उपस्थित मान्यवरांच्या हस्ते सन्मान करण्यात आले. तुम्ही आम्ही आपल्या हक्कासाठी लढू शकतो, मात्र लहान मुलांना त्यांचे हक्कच माहीत नसतात व ते आपल्या हक्कांसाठी लढू शकत नाही. त्यामुळे मुलांना आपले हक्क मिळावे व त्यांच्या शैक्षणिक गरजा पूर्ण करणे हे आपल्या सर्वांचे कर्तव्य असल्याचे मत व्यक्त करत असीमा मित्तल यांनी विद्यार्थी, पालक व शिक्षकांना मार्गदर्शन करत उज्ज्वल भविष्याची दिशा दाखवली. मंच पर मौजूद सभी मान्यवर, शिक्षक गण, सभी पालक जो यहाँ पे मौजूद हैं, एवं मेरे प्रिय बच्चों, मुझे बच्चों से बहुत ही लगाव है. हमेशा से बच्चों को देखकर जो मुझे एक एनर्जी मिलती है वो और किसी काम में नहीं मिलती. मुझे ऐसा लगता है कुछ भी हो जाए बच्चों से 10-15 मिनट बात करके जो कम्फर्ट मिलता है, एनर्जी मिलती है, इसलिए मुझे बच्चों के लिए काम करना, बच्चों के साथ काम करना बहुत अच्छा लगता है. और मैं चाहती हूँ हमेशा ज़िंदगी में ये जो फीलिंग है बच्चों के लिए ये रबानी रहे. इसका कारण एक ये भी है कि बाकी सब जो लोग होते हैं, कोई भी आदमी अगर उसको कोई हक ना मिले, कुछ ना मिले, तो वो अपने लिए खड़े होकर लड़ सकते हैं. वो ऑफिस जा सकते हैं, बोल सकते हैं मुझे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला. पर जो बच्चे हैं वो कभी नहीं बोल सकते. उनको ये पता भी नहीं होता कि उनको उनके हक क्या हैं, उनको क्या अधिकार हैं, उनको क्या अपेक्षित है मिलना. तो वो कभी अपने लिए खड़े नहीं हो सकते. इसलिए और भी ये ज़्यादा ज़रूरी है कि हम सब बच्चों के साथ खड़े रहें और उनको जो चीज़ें मिलनी है, स्पेशली एडुकेशन, स्पेशली शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो अगर कोई बच्चा उससे वंचित रह जाए, कोई बच्चे को अगर शिक्षा ना मिले तो उसकी पूरी ज़िंदगी में उसने अपनी आधी ज़िंदगी ऑलमोस्ट खो दी है, ऐसा मेरा मानना है. तो बच्चों, शिक्षा जो है अगर वो नहीं हुई ना तो आधी जिंदगी जो है वो खोने वाली बात हो जाती है, क्योंकि आप बहुत चीज़ें समझ ही नहीं पाते हैं कि क्या हो रहा है आसपास. तो शिक्षा का महत्व कोई आपको और बता नहीं सकता है कि शिक्षा का क्या महत्व है, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है. मैं अपनी ज़िंदगी की स्टोरी से ही बताना चाहूँगी आपको मेरी लाइफ का क्या स्टोरी रही है. मेरे लाइफ में पालक, मतलब पेरेंट्स का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है. जो मेरे मदर फादर, मतलब आई वडिल, जो मदर फादर हैं, उनका बहुत ही योगदान रहा है. जब मैं बहुत छोटी थी तब पढ़ाई में मेरा भी इंटरेस्ट आपकी तरह ही था, जितना आप सबका है, हर बच्चे का एवरेज इंटरेस्ट होता है, उतना ही इंटरेस्ट था. लेकिन मेरे मम्मी पापा ने मुझे क्या बोला पता है किसी को? उन्होंने मुझे बोला कि जिंदगी में जो भी बनना है वो खुद से बनना है. हम लोग कभी भी ऐसा नहीं करेंगे कि आर्थिक रूप में, अपार्ट फ्रॉम बेसिक एजुकेशन, कुछ आर्थिक रूप में किसी तरह सपोर्ट करे और फिर मतलब जैसे डोनेशन दे या इस तरह का कुछ करे. जो तुम्हें करना है वो खुद से करना है. अगर तुम उसके लिए रेडी हो देन यू गो अहेड. तो जब उन्होंने मुझे ये बात बोली तब मुझे पता चला कि ये सब मेरे ऊपर ही है. अब खुद से सब करना है, अगर कुछ बनना है तो खुद से ही पढ़ाई करके खुद से ही करना है. तो उस वो जो जिम्मेदारी है ना, वो जब समझ लेते हैं आप कि जो मुझे बनना है खुद से बनना. बच्चों, ये आपके लिए भी वैलिड है, आपके लिए भी लागू होती है. हर बच्चे को जो बनना है वो खुद से ही बनना है. आपको अगर जैसे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या फिर मेरी तरह IAS बनना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा बताइए? क्या करना पड़ेगा? अभ्यास, कोई ना कोई एग्जाम देना पड़ेगा.
कुछ ना कुछ तो एग्जाम परीक्षा देनी पड़ेगी, एमबीए चाहे करना है चाहे कुछ भी करना है आपको, आपको ज्यादातर चीजें बनने के लिए कोई ना कोई परीक्षा देनी पड़ती है, और उस परीक्षा में आप अकेले ही जाते हो और आपके साथ कोई नहीं जाता, ना कोई पालक जाता है ना कुछ जाता है, उसमें ना तो पैसे चलेंगे ना कुछ चलेगा, उसमें क्या चलेगा, बस आपका पेन और आपकी शिक्षा, जितना आपने अभ्यास, शिक्षा मंजे पढ़ाई अभ्यास अभ्यास, तो जितना आपने पढ़ाई की है वही चलेगा। तो अगर आपको लगता है कि आपको अपनी जिंदगी बहुत बदलनी है या फिर आपको बहुत कुछ अचीव करना है लाइफ में, तो आप एक ही उसका तरीका है, वो है, एक ही माध्यम है, वो है अभ्यास। जितना आपका स्ट्रांग अभ्यास होगा उतना ही आप अच्छा परफॉर्म करोगे। आपको मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, मेरे घर में एक भी जना आईएएस नहीं है, मेरे पूरे परिवार में सिविल सर्विसेज में यूपीएससी में आज तक कोई नहीं गया है। तो ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे परिवार से आती हूँ जहाँ बहुत सारे लोग सिविल सर्विसेज में है, मेरे जो पिताजी है उनका बिजनेस है, तो मेरे पापा बिजनेसमैन है, जो मेरी मदर है वो टीचर है, तो इस ये मेरा परिवार का बैकग्राउंड है। लेकिन क्योंकि मेरे पिताजी ने मुझे हमेशा ये सपना दिखाया कि मैं आईएएस बन सकती हूँ, जब से मैं बहुत छोटी थी, सिक्स क्लास में थी तब से उन्होंने मुझे कहा कि तुम कर सकती हो, मुझे ऐसा लगता है, तो एक प्रेरणा मिलती है बच्चों को। तो इससे पालक की जो भूमिका है वो क्लियर होती है कि अगर पालक जो है, जो पेरेंट्स है, आई वडिल है, वो अपने बच्चों को एक दो बार बोले ना रोज भी कि तुम बन सकते हो कुछ, तो उनको जो प्रेरणा मिलती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप थोड़ा बहुत अगर उनकी लाइफ में इंटरेस्ट लेंगे, थोड़ा बहुत भी, दिन के 5 मिनट भी, कि वो क्या पढ़ रहे हैं, क्या नहीं पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं स्कूल में, तो उनकी जिंदगी पूरी बदल जाएगी। तो ये आप बात बिल्कुल ध्यान रखिए सभी पेरेंट्स से, क्योंकि पेरेंट्स से ज्यादा बच्चों के क्लोज कोई नहीं होता। दूसरी चीज, बच्चों के लिए चाहे वडिल आपको बोले या आई बोले, कोई बोले ना बोले, आपको खुद को एक भरोसा रखना है कि मेरा जो सपना है, आपको याद होगा मैं गणेश उत्सव पे आई थी इधर, तब मैंने आपको बोला था ना एक सपना देखना है, कुछ बनने का कोई सपना देखना है, बोला था, तो सोचा किसी ने कुछ बनने का सपना, सोचा किसी ने? मुझे ऐसा लगता है कि आप में से कुछ लोगों ने तो सोचा होगा, कुछ लोगों ने सोचा होगा। तो आपने जो भी सोचा है वो जरूर आप लोगों से डिस्कस कीजिए, चर्चा कीजिए कि आपको क्या बनना है, स्पेशली अपने शिक्षकों से चर्चा कीजिए आपको क्या बनना है, वो आपको उसका रास्ता दिखाएंगे, रोड टू सक्सेस। आपको अगर कुछ बनना है तो उसकी एक परीक्षा होगी या उसका जो भी वे होगा, जो भी आपको क्वालिफिकेशन चाहिए, उसका आपको रास्ता कौन दिखा सकता है? शिक्षक और आपके पालक, ये दो लोग हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप इनसे डिस्कस कीजिए, चर्चा कीजिए, आपको जो बनना है उस पर अपनी नजर रखिए। मतलब इंग्लिश में मैं बोल सकती हूँ कि यू सेट योर आईज ऑन दी गोल, अपनी आंखें किस पे रखनी है? अपने गोल पे रखनी है, और उसके लिए जो भी बन सके वो कीजिए, अपना 100% दीजिए, जो करना है उसके लिए अपना 100% दीजिए, और फिर आप जब वो बन जाएंगे तो जो खुशी होगी वो अमूल्य है। पर इसमें एक ही कंडीशन है, और वो क्या है? मेहनत, 100% मेहनत, उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। आज मैं यहाँ पे आई हूँ उसका कारण ये है कि जो आपके हेडमास्टर हैं, उन्होंने मुझे बोला कि आपके आने से, बच्चों से बात करने से कुछ बच्चों को प्रेरणा मिलेगी, तो ये मेरे आने का यहाँ पर्पस है। तो अगर आपको वो प्रेरणा लेनी है तो आप उसके लिए सुनिए जरूर कि मेरी लाइफ की स्टोरी क्या रही है, क्योंकि मैं अपनी लाइफ की स्टोरी ही आपसे शेयर कर सकती हूँ। और ऐसे लोगों को मैं जानती हूँ जिन्होंने बहुत ही गरीबी में, अगर आपको लग रहा है कि हम गाँव में हैं, ऐसी जगह पे है जहाँ पे हमको हर तरह की सुविधा नहीं है, तो मैं ऐसे लोगों को भी जानती हूँ जो रेलवे स्टेशन पे रह के भी आईएएस बने, रेलवे स्टेशन पे रह के पढ़ के भी आईएएस बने। तो अगर इस तरह के लोग जो इतनी गरीबी में आईएएस बन सकते हैं या इतना बड़ा एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, तो आप सोचिए कि आपको तो बहुत सुविधाएं हैं, आपके पास एक साइंस लैब अभी आ गई है, इस स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा है, आपके टीचर्स इतने अच्छे हैं, कई पालक यहाँ पे आए हैं, आपका गांव इतना अच्छा है, तो इतने अच्छे गांव में, इतने अच्छे स्कूल में आप क्यों नहीं बन सकते हैं? इसलिए मैं कोई ऐसा बहुत स्ट्रांगली, मतलब मैं पूरे दिल से बोल सकती हूँ कि आप सब एक एक बच्चा अगर डिसाइड कर ले आज कि मुझे ये चीज बनना है आगे जाके, तो वो बन जाएगा। आपके पास उतनी इनफ सफिशियंट चीजें हैं, सफिशियंट सुविधाएं हैं कि आप जो चाहे वो बन सके। तो इस चीज को कभी मत भूलना कि हार तभी होती है जब वो दिल से हो जाए। अगर हमने अपने दिल में सोच लिया कि अब मैं नहीं कर सकता या अब मेरी हार हो चुकी है, तो तब हार होती है।
अगर हमारे दिल में ये बात है कि मेरी हार नहीं हुई तो आपको कोई भी नहीं हरा सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। आपको हो सकता है थोड़ा समय ज्यादा लग जाए और लोगों से किसी प्रॉब्लम की वजह से, पर ऐसा नहीं हो सकती आप वो बन नहीं पाए। ये मैं पूरे दिल से बता सकती हूँ, पूरे सच बता सकती हूँ कि ऐसा होता है। अगर आपको इतनी सुविधाएं जो मिली है, जैसे अभी हमने सब चर्चा किया कि L&T ने, कमिंस ने, बहुत सारी संस्थान आपसे जुड़ी है ना आप सब संस्थान, तो उन्होंने आपको इतने जो सुविधा दी है, वो सुविधा एक माध्यम है, वो सुविधा एक सिर्फ माध्यम है। हमें जाना कहाँ है? अपने सपने की तरफ, अच्छी गुणवत्ता की तरफ, शिक्षा की गुणवत्ता की तरफ। तो इसके रिलेटेड जो शिक्षक है, शिक्षकों से एक चीज आज मैं शेयर करना चाहती हूँ जो हमने रिसेंटली अपनी वर्कशॉप में देखी है। हम क्या करते हैं, कई बार बुक खोलते हैं, एक धड़ा एक लिया, धड़ा एक बच्चों को पढ़ा दिया, धड़ा दो पढ़ा दिया, तीन पढ़ा दिया, तो उसमें हम क्या करते हैं, बच्चों की जो नॉलेज है ना वो बुक तक और अपने पढ़ाने के स्तर तक सीमित रखते हैं। हम चैप्टर बाय चैप्टर जाते हैं तो जितना बुक में लिखा है बच्चा उतना ही सीख पाते हैं। ये आजकल हमारी पढ़ने की स्ट्रैटेजी रहती है, पढ़ाने की। लेकिन इसमें जो बाबलेवाड़ी का कॉन्सेप्ट है, उसमें एक चीज है जो आपने विजिट में किसी भी टीचर ने मुझे बताई नहीं, जो हमने डिस्कस किया था कि बाबलेवाड़ी में आपने क्या देखा, वो चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि क्या करते हैं वो लोग वहां पे। वो लोग बच्चों को आह्वान देते हैं, देख चैलेंज द स्टूडेंट्स। कैसे चैलेंज करेंगे कि बच्चों को आप बोलेंगे कि आप पहले 5 चैप्टर खुद से पढ़ के आओ। आप बच्चों को चैलेंज दो कि आप खुद से पढ़ के आओ, और ऐसे चैलेंज बहुत स्कूल में दिए गए हैं, और बच्चों को बोला गया पूरी बुक पढ़ के आओ, और बच्चे पढ़ के भी आते हैं। बच्चे दिन रात लग के पूरा कुछ भी करके पढ़ के आते हैं, क्योंकि बच्चों की एनर्जी एक अलग ही लेवल पे होती है। ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक क्षेत्रात पुढे नेण्यासाठी L&T कंपनी व कमिन्स इंडियाच्या वतीने अद्ययावत विज्ञान प्रयोगशाळाही सुरू करण्यात आली। L&T चे जनरल मॅनेजर अरविंद पारगाळकर यांच्या हस्ते मिनी सायन्स सेंटरचे उद्घाटन करण्यात आले। या प्रसंगी L&T चे शेखर देशमुख, डॉक्टर ऋषभ फिरोदिया, संतोष निकप यांच्यासह इतर मान्यवर उपस्थित होते। विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक क्षेत्रात पुढे नेण्यासाठी शालेय समिती, पदाधिकारी व शिक्षक हे पूर्ण प्रयत्न करत असून पालकांनीही विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाकडे लक्ष देण्याची गरज असल्याचे मत संस्थेचे सचिव महेश भराडिया यांनी केले। आपला हा वार्षिक स्नेहसंमेलनाचा आपण दरवर्षी 2 दिवसीय कार्यक्रम ठेवत असतो। सालाबाद प्रमाणे यावर्षी देखील आपण 2 दिवसीय हा कार्यक्रम ठेवला। कालच्या सत्रामध्ये आपल्याला यावर्षी L&T कंपनीने एक छोटीशी सायन्स लॅब, साधारणतः 75 इन्स्ट्रुमेंट, दैनंदिन अभ्यासातले गणित विषय असतील, तुमचा विज्ञान विषय असेल, फिजिक्स केमिस्ट्रीचे विषय जे आहेत त्याला अनुसरून जे दैनंदिन अभ्यासासाठी लागणारे विद्यार्थ्यांसाठी इन्स्ट्रुमेंट आहेत ते प्रात्यक्षिक करण्यासाठी आपल्याला त्यांनी दिले। आणि त्या सायन्स लॅबचं काल आपण L&T कंपनीचे मॅनेजर श्री अरविंद पारगावकर साहेब यांच्या हस्ते उद्घाटन केलं। काल पारगावकर साहेब या ठिकाणी आले, त्यांनी या शाळेचा परिसर पाहिल्यानंतर खूप म्हणजे खूप मनापासून या ठिकाणी आनंद व्यक्त केला की इतका सुंदर परिसर या शाळेला लाभलेला आहे। आणि त्या सांगता सांगता त्यांनी मला सांगितलं का शेठजी, आपण या शाळेला आणखी खूप डेव्हलप करू, फक्त तुम्ही आम्हाला साथ द्या। आणि त्यांनी आम्हाला साथ मागितली म्हणजे या ग्रामस्थांना, म्हणजे या ठिकाणी शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांना साथ मागितलेली आहे। कारण त्या ठिकाणी काल संस्थेचे अध्यक्ष आणि संस्थेचे सचिव, विद्यालयाचे मुख्याध्यापक हे आम्ही तिघेच या ठिकाणी पालक या नात्याने बसलेलो होतो। एक खंत त्यांनी अशी व्यक्त केली की इतका मोठा कार्यक्रम ठेवलाय, साधारणतः त्यांनी 4 ते 5 लाखाची आपल्याला सायन्स लॅब दिली, मागच्या वर्षामध्ये त्यांना आपल्याला इतके सुंदर बेंचेस दिलेत विद्यार्थ्यांना बसण्यासाठी, अभ्यासासाठी त्यांना या ठिकाणी त्यांना सुलभ व्हावं यासाठी बेंचेस दिले। साधारणतः 5 लाख किमतीचे त्यांनी बेंचेस आपल्या शाळेला दिलेत। परंतु इतक्या मोठ्या कार्यक्रमासाठी एक सुद्धा पालक या ठिकाणी हजर नव्हता, याची मला खूप मोठी खंत वाटते। तर IAS अधिकारी असीमा मित्तल यांनी शालेय विद्यार्थ्यांना केलेल्या मार्गदर्शनाचे आभार मानत संस्थेचे अध्यक्ष जालिंदर कदम यांनी आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या। तसेच आपल्या संस्थेचे सन्माननीय सेक्रेटरी भराडिया शेठजी यांचे मित्र, तसेच आपल्या डोंगरगावचे सुपुत्र सन्माननीय भुतकर साहेब, आमच्या गावचे तंटामुक्ती अध्यक्ष इंद्रवान पाटील कदम,
चंद्रमान पाटील कदम, धोडीभाऊ कदम, तसेच डोंगरगांचे ग्रामपंचायतचे सन्माननीय सर्व सदस्य, गावातील ग्रामस्थ, पालक, सर्व विद्यार्थी विद्यार्थिनी, आजच्या या कार्यक्रमाचे निमित्त आपल्या नगर जिल्ह्यामध्ये मित्तल मॅडम ज्यावेळेस हजर झाल्या त्यावेळेस पहिल्यांदा आपल्या शाळेमध्ये भेट दिली, गणपतीचा उत्सव होता त्यावेळेस सुद्धा मॅडम या ठिकाणी हजेरी लावली आणि मॅडमचा आज जिल्ह्यामध्ये उत्कर्ष साहेब मॅडमनी जिल्ह्यातील सर्व प्राथमिक शाळेमधून 30 शाळांची निवड केली आणि 30 शाळा ह्या पुणे जिल्ह्यातील बाबळेवाडीच्या धर्तीवर नगर जिल्ह्यामध्ये झाल्या पाहिजे यासाठी ट्रेनिंग आणि त्यांना विशेष मार्गदर्शन आणि त्या प्रकारची प्रक्रिया या ठिकाणी मॅडमने सुरू करून दिली. अतिशय उत्कृष्ट काम जिल्ह्यामध्ये मॅडमांना जाताने करून जायचंय आणि जर मॅडम कोणत्याही जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी म्हणून गेल्या तर आपल्या या गावाची डोंगरण गावची शाळेची जी जी गरज असेल तर कुठून पण मॅडम पूर्ण करतील. कारण महाराष्ट्रातून कुठूनही माणूस ज्या मोठ्या पदावर असला तर काम करायचं तर करू शकतात. त्या निश्चित जोपर्यंत या महाराष्ट्र शासनाच्या पदावरती राहतील उच्च पदावर राहतील त्यावेळेस आपल्या या शाळेला विसरणार नाही अशी आपण सर्वांनी या ठिकाणी इच्छा व्यक्त करायची. आणि काल L&T कंपनीचे सन्माननीय पारगावकर साहेब या ठिकाणी आले होते. त्यांच्याबरोबरचे त्यांचे सहकारी कमिन्स इंडिया कंपनीचे अंजली मगर मॅडमला थोडासा काम आलं. पण भुतकर साहेब आपण MIDC मध्ये असणाऱ्या कंपनीच्या माध्यमातून औद्योगिक विभागाच्या जे 10% SRCRचा वापर आपल्या शाळेला कसा करता येईल, शाळेची इमारत कशी करता येईल आणि शाळेला या ठिकाणी आपल्या दोन्ही गावचं वैभव या रोडच्या कडेला कसं शानदार पिंपळाव माळवी सिरमाद्यालयासारखं करता येईल अशा पद्धतीने आम्ही सर्व शिक्षक सर्व गावातील ग्रामस्थ आणि सर्वांच्या वतीने आपण सहकार्य करतोय. आणि शिक्षणाच्या बाबतीत मॅडमने या ठिकाणी आपल्या सर्व शिक्षकांना बाबळेवाडी या ठिकाणी घेऊन ट्रेनिंग दिलेलं आहे. मी शिक्षकांना सुद्धा आवाहन करतो सर्व पालकांची अपेक्षा असती आणि जवळपास शाळा असतात. काल पण आपले L&T कंपनीच्या मॅनेजरने सांगितलं आपल्या मुलाची जी ग्रॉसिंग पॉवर असती ती मराठी जास्त आपण लवकर शिकलं जातो आणि त्यांनी सांगितलं मी स्वतः मराठी मीडियमचा विद्यार्थी आहे आणि मी आज ह्या पदावर आहे. त्याच्यामुळं इंग्लिश मीडियम आणि मराठी मीडियम असा फरक करू नका. आपला मुलगा ज्या शाळेत जातो त्या मुलाला व्यवस्थित अभ्यास करतो का नाही, वेळेत शाळेत जातो का नाही आणि शाळेतील शिक्षणात शिकवल्यानंतर तो घरी दिलेला अभ्यास पूर्ण करतो का नाही ही सुद्धा पालकाची जबाबदारी या ठिकाणी आहे. आणि हे जर केलं तर आपला विद्यार्थी या ठिकाणी मॅडम बसल्यात अशा प्रकारे उच्च पदावर गेल्याशिवाय राहणार नाही. विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमातून कलागुण सादर करत विद्यार्थ्यांनी उपस्थितांची मने जिंकली. प्रतिनिधी मोहसिन कुरेशी, ATV News, अहमदनगर.